झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग और प्रदेश नियोजनालय रांची की तरफ से 2 दिवसीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है दोस्तों। ये झारखंड सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। ये 30 अक्टूबर 2018 को पहला रोजगार मेला लगेगा और दूसरे दिन 31 अक्टूबर 2018 को दूसरा रोजगार मेला लगेगा। इसमें मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये बनाया गया है उसका किस तरह से रोजगार मेला लगेगा, कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 30 अक्टूबर 2018 को लगभग 500 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे मैं पढ़ के जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पहली कंपनी है, इसका नाम है निर्वाण सुतान सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्वाण सर्विस लिमिटेड में इतनी सारी वैकेंसी निकली है। पहले में डिलीवरी बॉयज़ के लिए 10th क्वालिफिकेशन चाहिए, टोटल 50 वैकेंसी है। 9 से 10 हज़ार सैलरी मिलेगा। एक्सपीरियंस 0 से 2 साल का चाहिए। इसमें 0 एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए BCom चाहिए, उसके लिए 8 से 15 हज़ार मिलेगा। 20 पोस्ट है। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट चाहिए, 20 पोस्ट है, 8 से 15 हज़ार मिलेगा दोस्तों। और क्या दर ड्राइवर के लिए 10th पास चाहिए, उसमें 10 वैकेंसी है, 7 से 10 हज़ार मिलेगा। और उसके बाद है टेली कॉलर कम बैक ऑफिस, ओनली फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको ग्रेजुएट होना चाहिए और 10 वैकेंसी है और 7 से 10 हज़ार रुपया मिलेगा। उसके बाद है ऑफिस बॉय पियोन, पियोन के लिए होता है 10th पास चाहिए, इसमें 10 वैकेंसी है, 6 से 8 हज़ार मिलेगा। उसके बाद होता है फील्ड इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर, ये BTech और डिप्लोमा वाले के लिए हैं। ऑल ट्रेड चाहिए, जहाँ आप किसी भी स्ट्रीम से BTech किए और किसी भी स्ट्रीम से आप डिप्लोमा किए वो भर सकते हैं। 50 वैकेंसी है, ये इंजीनियर और डिप्लोमा वाले के लिए बड़ी वैकेंसी है, 50 वैकेंसी ऐसे नहीं निकलता दोस्तों। 7 से 15 हज़ार मिलेगा, अच्छी ही पोस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेजुएट चाहिए और उनको 10 पोस्ट है, 7 से 10 हज़ार मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th पास चाहिए, 8 से 12 हज़ार मिलेगा। और लोन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट चाहिए, 50 वैकेंसी है, 12 से 15 हज़ार मिलेगा। टेक्नीसियन के लिए ITI होना चाहिए, फिटर गैस कटर और वेल्डर पे होना चाहिए, 40 वैकेंसी, 8 से 12 हज़ार मिलेगा। ड्राइवर के लिए 10th पास चाहिए, इसमें 8 से 9 हज़ार मिलेगा, 10 पोस्ट है। और सिविल इंजीनियर के लिए BTech और डिप्लोमा होना चाहिए, 10 पोस्ट है, 15 से 20 हज़ार मिलेगा। सिविल इंजीनियर के लिए अच्छा पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट कम है लेकिन सैलरी ज़्यादा है, 15 से 20 हज़ार आसानी से नहीं मिलता है। और गोडाउन मैनेजर के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए और 8 से 10 हज़ार मीलेगा, 10 वैकेंसी है। शॉपकीपर उसके बाद आता है, तो 10th पास चाहिए, इसमें 10 वैकेंसी है और 7 से 9 हज़ार मिलेगा। सेल्स बॉय के लिए 10th पास चाहिए और इसमें 7 से 10 हज़ार मिलेगा, 20 वैकेंसी है। कैशियर कलर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 7 से 10 हज़ार मिलेगा और इसमें 10 वैकेंसी है। हाउसकीपर के लिए 7 से 10 हज़ार मिलेगा, 10th पास चाहिए, 20 वैकेंसी है। उसके बाद रिसेप्शनलिस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रिफेबल CBSE बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यानी CBSE बैकग्राउंड से होना चाहिए ग्रेजुएट, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। 20 वैकेंसी है, इसमें 7 से 10 हज़ार मिलेगा। अगर आप नहीं हैं CBSE बैकग्राउंड से तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि आप रिसेप्शनलिस्ट में ही जाएँ। मैकेनिक के लिए 10th पास होना चाहिए और 10 हज़ार मिलेगा इसमें, और 10 वैकेंसी हैं। कुक एंड हेल्पर के लिए 7 से 10 हज़ार मिलेगा, 10 वैकेंसी हैं। उसके बाद हम दूसरी कंपनी के बात कर लेते हैं। यहाँ दूसरी कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पे भाभा कंप्यूट RS रांची की तरफ से निकाला गया है। यहाँ सबसे पहली वैकेंसी है प्रो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं इसमें। इसमें मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए और डिप्लोमा DCA चाहिए और 18+ होना चाहिए, एज 18+ होना चाहिए। और 30 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, 7 से 12 हज़ार मिलेगा। जिस तरह से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जिस तरह से परफॉर्मेंस कीजिएगा उसी हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। अगर लो परफॉर्मेंस होगा तो 7 हज़ार मिलेगा, अगर हाई परफॉर्मेंस होगा तो 12 हज़ार मिलेगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है। उसके बाद होता है BSO सुपरवाइज़र, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। उसको क्वालिफिकेशन चाहिए मास कम्युनिकेशन होता है और DCA होना चाहिए, 10 से 15 हज़ार मिलेगा। इसमें एक वैकेंसी है दोस्तों, सैलरी अच्छा है लेकिन एक वैकेंसी है। फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसके लिए MCA MSc और IT होना चाहिए, 15 से 25 हज़ार मिलेगा। इसमें एक वैकेंसी है, इसमें सैलरी अच्छा है लेकिन वैकेंसी एक ही एक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए MBA पास होना चाहिए, 15 से 25 हज़ार मिलेगा। MIS एक्सपर्ट के लिए BCA और BSc होना चाहिए, 15 से 25 हज़ार मिलेगा। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो MBA मार्केटिंग से कोर्स होना जरूरी है और 15 से 25 हज़ार मिलेगा। तो
और इसमें दो वैकेंसी हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर मैनेजमेंट एमबीए एचआर, एचआर के लिए 18+ होना चाहिए, और एक वैकेंसी है 20 से 40 हज़ार मिलेगा, ये सबसे अच्छी वैकेंसी है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जाके आप ये वैकेंसी अचीव कर सकते हैं। तो जो लोग ये सब कोर्स किए हुए हैं और उनके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग अप्लाई करें। और ये दोस्तों ये वैकेंसी आपको झारखंड रोजगार .nice इन पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके आसानी से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे सर्च कीजिए गूगल पे झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको वेबसाइट खुल के आ जाएगा, वहाँ पे कब किस दिन रोजगार मेला लगता है सारा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको रोजगार मेला में जाना है तो वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फ़ोटो कॉपी जेरोक्स करा के जाना है, और जो आपका रिज्यूम होगा, रिज्यूम तो जानते होंगे, उसका 2 कॉपी आपको लेकर जाना होगा। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, आप सिर्फ इंटरव्यू में जिस तरह से परफॉर्मेंस कीजिएगा उसी हिसाब से आपको रख लिया जाएगा। और इंटरव्यू सुबह 10 बजे से 4 बजे के अंदर ही होगी, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के अंदर होगी। और जो लोग के पास होता है झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड नहीं है, वो झारखंड रोजगार .nice या झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपना जिला नौजनाले से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है दोस्तों, तो जल्दी से आप अप्लाई कीजिए, ये वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी का अचीव नहीं कर सकते हैं तो रोज़गार मेला दोबारा लगेगी, आप उसके लिए तैयार हो जाइएगा। हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से रोज़गार मेला लगता है, किस तरह से इंटरव्यू होता है, और मैं दूसरी वैकेंसी 31 अक्टूबर को लगेगी दोस्तों, उसको भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये रांची में लगने वाले दूसरे दिन का रोज़गार मेला का अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रोज़गार मेला लगेगा। और प्रादेशिक निदेशालय सब मॉडल करियर सेंटर सर्कुलर रोड रांची के कार्यालय परिसर में 31/10/2018 को ये मेला लगेगा। ये 30 तारीख को भी वहीं पे मेला लगेगा और 31 को भी वहीं, दो दो दिवसीय रोज़गार मेला लग रहा है, दोनों उसी दिन वहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे पहली कंपनी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, ये पहली कंपनी है सेप डू गेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें कुछ पोस्ट पे वैकेंसी निकली भी है, जैसे क्या होता है स्टोर कीपर हो, स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 12 से 18 हज़ार सैलरी मिलेगी। 20 पोस्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से 12 से 18 हज़ार मिलेगी। 80 पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए, 12 से 18 हज़ार मिलेगा, बीकॉम होना चाहिए। 10 पोस्ट है रिटेल एग्जीक्यूटिव के लिए, बीएससी बीई होना चाहिए, 12 से 18 हज़ार मिलेगा। इसमें 70 से 100 पोस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रीसियन के लिए। उसके बाद दूसरी कंपनी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, दूसरी कंपनी है था CMS मिटकॉन मेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रीसियन के लिए मैट्रिक होना चाहिए, 7 से 8 हज़ार मिलेगा, 90 पोस्ट है। फिटर के लिए 7 से 8 हज़ार मिलेगा, मैट्रिक होना चाहिए, 60 वैकेंसी है, और एज लिमिट 18 से 35 सभी में दिया गया। अब वेल्डर के लिए 7 से 8 हज़ार मिलेगा, 60 वैकेंसी, मैट्रिक होना चाहिए, और सोलर टेक्नीसियन के लिए 7 से 8 हज़ार मिलेगा, मैट्रिक होना चाहिए, 60 पोस्ट है। और शटिंग कारपेंटर के लिए मैट्रिक होना चाहिए, 60 पोस्ट है, 7 से 8 हज़ार मिलेगा। और उसके बाद होता लास्ट में है पेंटिंग डेकोरेशन, इसमें नॉन मैट्रिक होना चाहिए, और शटिंग ऑफ कारपेंटर में भी नॉन मैट्रिक होना चाहिए, 8 क्लास 9 क्लास जो भी आप पास हैं वो होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 60 पोस्ट है, 7 से 8 हज़ार मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा जॉब ऑफर देने से पहले, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तभी आपको आगे जॉब पे रखा जाएगा। और जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रहने खाने पीने का खर्च वो कंपनी उठाएगी, आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो होता है वैकेंसी आपको झारखंड होता है रोजगार होता है .nice पे जाके देख सकते हैं, या डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको इस तरह का वेबसाइट खुल के निकल आ जाएगा। और वहाँ पे आपको बगल में कोने में मिलेगा नोटिफिकेशन वगैरह, वहाँ पे कब कब रोज़गार मेला लगता है उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वैकेंसी में जाने से पहले मैं
इस चीज़ को पढ़ के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएट या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जेरोस करवा लीजिए, और जो आपका रिज्यूम है उसका 2 कॉपी बना लीजिए। रिज्यूम अच्छे से बनाइएगा, रिज्यूम अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, सॉरी, जो कि रिज्यूम ही आपका यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा और आपका इंटरव्यू होगा। और ये इंटरव्यू 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक होगी, 4 बजे शाम 4 बजे तक होगी। और जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नहीं है तो वो झारखंड रोजगार .NICE जो वेबसाइट में बताया उस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका इसके बारे में पहले भी बता दिया हूँ दोस्तों 30 अक्टूबर की वैकेंसी में। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।